हेलो फ्रेंड्स, मैं उधर में पंचार्ट्रिक फोन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मोड के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर बहुलक को कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों, फिर से एक और बार विदाउट फॉर्मूला वाला ट्रिक लेके आया हूँ। आपको कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुलक के मोड के सारे जो मेथड है वो पूरे के पूरे आपके इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा जो मेथड है वो देख लेते हैं कि आखिर मोड को डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमें कोई भी एग्जांपल दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है डायरेक्ट 12 7 15 9 10 1 7 12 और 7, और हमें पूछा गया है कि मोड फाइंड कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो यहाँ पे देखिए, 7 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 2 और 3 3 टाइम्स रिपीट होती है, और बाकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 3 टाइम्स या 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, 12 भी एक ऐसी वैल्यू है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है मगर 3 टाइम्स नहीं हो रही है। यानी सबसे ज़्यादा टाइम जो भी वैल्यू रिपीट हो रही हो वही हो जाएगा हमारा आंसर। ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये तो बहुत आसान वाला है, मगर जो सेकंड मेथड है उसमें बहुत ही झमेला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत लंबा सा मेथड पड़ जाता है, इसीलिए मैं उसके लिए भी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया कि सबसे ज़्यादा टाइम्स जो वैल्यू रिपीट हो रही हो वही उसका आंसर बन जाएगा। मगर सेकंड मेथड में ऐसा है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होने वाली ज़्यादा वैल्यूज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 7 जो था वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। यहाँ पे देखिए, 7 जो था वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। यहाँ पे मान लीजिए कि 12 भी अगर 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा हो तो आंसर उसके 2 बन जाएंगे, 7 और 12। तो ऐसा ऐसी जब सिचुएशन आती है तब जाके हमें एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फॉर्मूला है Z=3m-2x-bar। मगर हम तो भाई किसी भी फॉर्मूला को नहीं मानते, फॉर्मूला के बिना आंसर आना चाहिए, उसी को हम ट्रिक कहते हैं। चलिए तो आपको ये भी ट्रिक दिखा देता हूँ कि आपको इस फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ कि आप क्वेश्चन को 1 सेकेंड में उड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 5 8 9 5 7 4 3 5 4, ये हमें वैल्यूज दे रखी है और हमें दिया गया है कि मोड फाइंड कीजिए, बहुलक फाइंड कीजिए। सिंपल हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पे 2.3 3.6 4.2 और 5.9। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा यही चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होने वाली वैल्यू एक 5 है जो 1 2 और 3 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, और दूसरी एक वैल्यू है जो 4 है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, 1 2 और 3। ये दोनों वैल्यूज ऐसी है कि दोनों की दोनों 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, यानी आंसर हमारे 2 बन जाएंगे, 4 और 5। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जो पिछले आपको फॉर्मूला दिखाया जेड वाला, Z=3m-2x-bar, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर दोस्तों, अगर आप एग्जाम में ऐसी फॉर्मूला लेके बैठ जाएंगे तो आपके 5 से 7 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, और ये हमें नहीं होने देना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मेरी ट्रिक देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है ये हमने चेक कर लिया। 4 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। जी हाँ, आपको लगेगा सर ये क्या बात हुई, आपने ये क्या बोल दिया। जी हाँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आंसर इन दोनों के बीच में ही आता है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आंसर 4 to 5 के बीच में ही आएगा, ना ही 4 से छोटा होगा ना ही 5 से बड़ा होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इतना चेक करने के बाद ऑप्शन में देखना है यहाँ पे 4 to 5 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है। तो 2.3 नहीं आती है, 3.6 भी नहीं आती है, 4.2 एक ऐसी वैल्यू है जो 4 to 5 के बीच में आती है। तो हमारा आंसर बन जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, अभी के अभी आप चाहे तो रफ पेज में फॉर्मूला बेस से पूरा मेथड करके आप चेक कर सकते हैं कि सर ने सही किया या गलत। अगर मेरा ये ट्रिक गलत निकला तो दोस्तों कल से YouTube का वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, चलिए प्रूफ देख लेते हैं।
सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला था z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार हमें इस्तेमाल करना था, मगर इसके लिए भी हमें मीन और मीडियम की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता, तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते। एक्स बार के लिए हमें क्या करना पड़ता, तो जो भी वैल्यूज दी हुई है उसका सबसे पहले तो हमें प्लस करना पड़ता, प्लस करने में ही काफ़ी बार तो गलती हो जाती है। तो प्लस करते, तो प्लस करने के बाद हमें मिलता 54, और हमें टोटल कितनी वैल्यूज दी हुई है, तो 10 वैल्यूज दी हुई है, यानी उसे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 5.4। बाद में हमें मीडियम के लिए उसे स्टेप वाइज सेट करना पड़ता, स्टेप वाइज सेट करने के बाद ऐसा कुछ हमें मिलता, और मीडियम के लिए हम देखते कि कौन से नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें 10 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम हमारा बेसिक सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते। दोस्तों बेसिक सा फॉर्मूला, इसकी भी ट्रिक मैंने बना के रखी है, मीन और मीडियम की भी ट्रिक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके फॉर्मूला के हिसाब से, मेरी ट्रिक के हिसाब से अगर हम डायरेक्ट चेक करें तो 5 + 5/2 मिलेगा और 10/2 यानी आंसर आ जाएगा 5। और ये जो दोनों वैल्यूज मिली वो वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करते, यानी 3 × m, यानी m क्या मिला हमें 5 मिला, और x बार क्या मिला था हमें 5.4, यानी 2 × 5.4, 3 × 5 हो जाएगा 15, 2 × 5.4 हो जाएगा 10.8, और इसका माइनस करते तब जाके हमें 4.2 आंसर मिलता। इतना बड़ा सा हमें स्टेप फॉलो करना पड़ता और हमारे 5 से 7 मिनट वेस्ट हो जाते एक मार्क्स को कवर करने के लिए। तो इतनी बड़ी सी आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे देखिए, कोई भी मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा तो आपको ऑप्शन देख के ही आंसर बताना है ना, मज़ेदार ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसे आप अब सिंपल ट्रिक से आंसर लाना शुरू कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है 7 3 2 5 3 4 7 9, मोड फाइंड करने को बोला है, ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं 1.5 2.5 3.5 और 7.5। सबसे पहले हमें सिर्फ चेक यही करना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो 7 ऐसी वैल्यू है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, और 3 ऐसी वैल्यू है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, यानी आंसर किसके बीच में आएगा, तो 3 to 7 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन में आपको जाके चेक करना है 3 to 7 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, तो 3.5 आती है, बाकी सारी तो उससे छोटी और बड़ी है, यानी आंसर हमारा हो गया सी। कोई भी फॉर्मूला को भी याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए अब आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे 3.5 आंसर कितनी मेहनत करने के बाद आता है। सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ता, सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे तो हमें 14 मिलता, उसको डिवाइड करते 8 के साथ, तब जाके आंसर मिलता 5, और वो 5 रख देते हम यहाँ फॉर्मूला में। उसके बाद हमें मीडियन फाइंड करना पड़ता, और मीडियन के लिए हमें सारी वैल्यूज को स्टेप वाइज सेट करना पड़ता। स्टेप वाइज सेट करने के बाद भी आपको मेरी ही ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना मीडियन में भी आप बहुत लंबे चले जाएंगे। तो मीडियन में भी आप मेरी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो 4 + 5/2 आ जाएगा, और उसका आंसर हमें मिलेगा 4.5, और 4.5 को हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देते तब जाके 3 × 4.5 करके हमें मिलता 13.5। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी डायरेक्ट करना नहीं आता होता है, तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और बाद में 5 × 2 = 10 हो जाता, और इसका माइनस करते तब जाके हमें 3.5 मिलता, और इतना सारा करने में बहुत सारा वक्त चला जाता है, तो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरी ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और आंसर लाना शुरू कर दीजिए। चलिए एक एग्जांपल मैंने आपको खुद से करने को दे रखा है, स्पीड से कीजिए और अभी के अभी इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।